अनुभवहीनता की भेंट चढ़ गया नेपाल का पहला मुकाबला। गेंदबाजों ने लुटाए रन तो बल्लेबाज हवा में करते रह गए अठखेलियां। कमजोर हांगकांग ने भी नेपाल को दे दी पटखनी। गेंद और बल्ले की नाकामी ने खड़े किए सवाल। न नीति, न नियत, न तैयारी, न जीतने की बेकरारी। नेपाल हांगकांग का शिकार हो गया। बेहद कमजोर नजर आने वाली हांगकांग के बल्लेबाजों ने पहले जमकर नेपाल के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई। हांगकांग के ओपनर बल्लेबाज मार्टिन कोर्जी ने 21 गेंदों में 31 रन, अंशुमान रथ ने 32 गेंदों में 39 रन बनाए, तो बाबर हयात ने तो नेपाल की धज्जियां ही उड़ा दी, परखच्चे उड़ा दिए। 49 गेंदों में 110 रन, जिसमें 3 चौके और 13 छक्के शामिल हैं। आप सोच कर देखिए, करण केसी जैसे खिलाड़ी को टीम मैनेजमेंट ने बाहर बिठाया, आरिफ शेख जैसे पार्ट टाइम गेंदबाज से गेंदबाजी की शुरुआत कराई, क्या मजाक चल रहा था? हांगकांग के बल्लेबाज नेपाल के इन गेंदबाजों की यही वजह थी कि हांगकांग के बल्लेबाज नेपाल के इन गेंदबाजों की ऐसे धुनाई कर रहे थे मानो कॉलेज लेवल के गेंदबाजों की धुनाई कर रहे हों। हांगकांग ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 212 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। उसके बाद बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की बल्लेबाजी लाइनअप ने तो और भद्द पिटवा दी। कुशल भुरतेल हर बार की तरह एक बार फिर फ्लॉप रहे। विकेट कीपर बल्लेबाज विनोद भंडारी ने जरूर अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 42 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। लेकिन उनके आउट होने के बाद रोहित पौडेल भी 30 रन पर आउट हो गए। आरिफ शेख ने 21 गेंदों में 38 रन बनाए। उसके बाद तो सारे बल्लेबाज तू चल मैं आता हूं की तर्ज पर आते गए और जाते गए। न संदीप जोरा चले, न गुलशन झा चले, न विवेक यादव चले, कोई भी बल्लेबाज चल ही नहीं पाया। आखिरकार नेपाल औंधे मुंह गिर गया। नेपाल की इस हार का जिम्मेदार जितना नेपाल का टीम 11 है, उससे ज्यादा नेपाल का टीम मैनेजमेंट जिम्मेदार है, खासकर कोच मोंटी देसाई और कप्तान रोहित पौडेल। पहले से ही नेपाल अपनी दोयम दर्जे के खिलाड़ियों को लेकर हांगकांग के दौरे पर गया है। उसके बाद करण केसी जैसे खिलाड़ी को आपने बाहर रखा, ये किसी के समझ से परे है। अगर आप विश्व कप की तैयारियां कर रहे हैं, अपनी दोयम दर्जे की टीम के साथ विदेशी दौरों पर नहीं जा सकते। अगर जा भी रहे हैं तो उपलब्ध श्रेष्ठ टीम 11 को खिलाना आपकी मजबूरी भी है और जरूरी भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल के खिलाड़ियों के दिमाग में अब स्टारडम छाने लगा है। उन्हें लगने लगा है कि वो कुछ भी करेंगे हर कोई उनकी सिर्फ तारीफ ही करेगा। यही वजह है कि कोई भी बल्लेबाज टिकने की कोशिश ही नहीं करता। हर बल्लेबाज जाकर सीधे चौके और छक्के जड़कर मैच जीतना चाहता है। यही वजह है कि हांगकांग के खिलाफ नेपाल ये मुकाबला आसानी से जीत सकता था, लेकिन गैर जिम्मेदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मुकाबला 73 रनों से हार गया। और तो और, नेपाल के खिलाड़ी अब तो बेसिक्स भी भूल गए हैं कि रनिंग करते समय कैसे अपने विकेट पर पहुंचा जाता है। यही वजह है कि सीधे थ्रो में आउट होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आज के प्रदर्शन को देखा जाए तो नेपाल टीम के गैर जिम्मेदाराना प्रदर्शन ने टीम को हार के लिए मजबूर कर दिया, और नेपाल के शर्मनाक हार में जितनी टीम जिम्मेदार है उतना ही टीम मैनेजमेंट भी जिम्मेदार है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।